आज है ना, कब से इंतजार कर रही हूँ। सबक कर जाओ यार, सारा करना पड़ता है। तो सबक तो कर जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तो आ गया। सलाम अलैकुम। भाई ये हमारे चैनल की मालिका है और मैं तो उनसे कहता रहता हूँ गाहे बगाहे कि अपने जो नाज़रीन हैं आपके, आप उनके सामने आए, उनसे बात करें और उनकी जो भी आरा होती है प्रोग्राम के हवाले से वो डिस्कस करें और हम उस राय का एहतराम करेंगे। और मैं पता है क्यों नहीं बात करती, मैं इसलिए नहीं बात करती कि मैं करती हूँ सीधी स्ट्रेट बात। उस पर लोग ये समझते हैं कि शायद पता नहीं, मतलब एक्चुअली हमारे यहाँ लोगों का एक प्रॉब्लम है कि जो बात की रूह होती है ना उसको नहीं देखते, वो आसपास देखना शुरू कर देंगे कि आपके बाल सही नहीं बने हुए थे। मतलब कौन सी रूह ये बात कर रही है ना, वो ये कौन सी रूह नहीं, मतलब जो बात है उसकी, बात की रूह, बात के मायने क्या है, बात किस मकसद के तहत की जा रही है, बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अच्छा ठीक है, ओके ऑलराइट। आज मतलब लोगों का जो जहन ना बिल्कुल आपकी तरह का है, वो मेरी बात समझते नहीं है, मुझे इसलिए मैं आके शोज में बैठती नहीं हूँ। मुझे लग रहा है वो अनवर मकसूद साहब का जो प्रोग्राम है ना, मैं अनवर मकसूद हूँ, ये मोइन अख्तर बन जाती है मेरे लिए। तो खैर आज इनको मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई आपका अपना चैनल है, आप बैठें बात करें थोड़ा सा। और जो मैं ट्रैवलॉग करता हूँ, जो हम लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, मुश्किल जगहों पर जाते हैं और वो वीडियोज़ मैं इनसे शेयर करता हूँ, आप यकीन मानें ये एक बार भी नहीं देखती। भाई मैं इसलिए नहीं देखती कि देखें, जब आप किसी जगह जाते हैं तो जब आप उसको अपनी आंखों से देखते हैं तो उसकी फ़ील अलग होती है, तस्वीरों में जब आप देखते हैं तो वो फील नहीं होती, जाहिर सी बात है। और ये मुझे कहते हैं कि चलो साथ, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, फिर मेरी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएं और फिर मुझे उन जगहों की ऑनेस्टली आदत भी नहीं है। ये बड़ी मुश्किल टेरेन्स पे जाते हैं और वहाँ फिर कीड़े मकोड़े, और जब आते हैं तो मिट्टी में भरे हुए, फिर ये यहाँ पे काटा हुआ, यहाँ पे काटा हुआ, मतलब अजीब ही कोई उसमें, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट भाई, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ मुश्किल तो है, इसीलिए मैं नाज़रीन को वो तस्वीर जो कि वीडियोस में नहीं है, आज का मखसूस प्रोग्राम आपके साथ मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और हम, हाँ हम लोग किचन में भी होंगे, आप देखेंगे खाने भी पका रहे होंगे। और पकाती तो मैं ही हूँ, ये तो पकाते नहीं है, ये तो ज़्यादा फैलाते हैं चीज़ें और फिर एहसान करते हैं मेरी ज़िंदगी पे कि इतनी तो हेल्प की मैंने तुम्हारी, हेल्प ये की कि आलू छील के ना वहीं छिलके फेंक दिए, तो फिर इससे बेहतर था कि मैं खुद ही छील लेती। अभी ऑफ रोडिंग की बात हो रही है, नहीं तो मैं आप कह रहे हैं किचन में भी साथ होते हैं। अरे भाई मैं उनको बता रहा हूँ कि हमने, आप ये बताना चाहते हैं उन्हें कि आप काम करते हैं घर में, किचन में मैं नहीं करती। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ, कहना भी नहीं चाहिए आपको। अरे यार सब्र तो। अच्छा आप ये वीडियो तस्वीर देखें यार, जब बीवी साथ हो साले अल्फाज भी साथ छोड़ जाते हैं। एनीवेज एडिट कर देना ये सारा कुछ, नहीं एडिट हो सकता ना ये, तो जाना मुझे क्यों बिठाया आपने साथ? आपको इसलिए बिठाया कि आप अपने नाज़रीन से, क्योंकि चैनल सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, ये हम दोनों उसमें नहीं है, तो जाहिर सी बात है अब आप मेरे घर में बैठेंगे और ये मेरे घर में बैठ के शूटिंग करेंगे तो फिर मेरा ही चैनल होगा ना, आप भी मेरे, चैनल भी मेरा, घर भी मेरा। ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम ब्यूटीफुल वाइफ। ओह माय गॉड। अच्छा मैं जा रहा हूँ उसको बंद करने के लिए, खबरदार कुछ बोला तुमने। क्यों क्यों क्यों, मतलब वो तस्वीरें कहाँ है जो दिखानी है? दिखा रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ। कब दिखाएंगे? अभी दिखा रहा हूँ, अभी कहाँ है?
देखिए आपने क्या खूबसूरत तस्वीर है। अच्छा मुझे ये तस्वीरें देखने में मज़ा आता है जब कैसर इनको सब सॉर्ट आउट करके रख लेते हैं, लेकिन जब वो सारा जो भी रैंडम भी तस्वीरें होती हैं, रैंडम क्लिक्स होते हैं वो दिखाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है मुझे मज़ा नहीं आता। और ये जो थी ये स्पेशली बड़ी क्या चुनिंदा तस्वीरें थी। यार ये उर्दू इतनी सकील बोलती है कि मेरी बातों का समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे पाकिस्तान की उर्दू ऐसी ही है। नहीं मतलब उर्दू तो वी रिस्पेक्ट आर ऑल लैंग्वेजेस जो पाकिस्तान में बोली समझी जाती हैं, जो हमारी सरकार भैया क्या करें, हमारे सूबों के नाम ही ऐसे रखे हुए ना इस तरह से तो कि वो मजबूरन। अब देखें मैंने एक कोई बात की थी वहाँ, लोग मेरे पीछे पड़ गए कि आप लसानियत पे आप सूबों की बात करिए। अरे भाई खुदा के बंदों, अब अगर हमारे सूबे का नाम सिंध है तो मैं सिंध बोलूँगी ना, ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं कोई चाइना से आई हूँ, चाइना में हूँ या जहाँ एग्जैक्टली, या अगर पंजाब है या केपी के तो मैं उनको वही बोलूंगी ना, या बलोचिस्तान है तो मैं उसको बलोचिस्तान ही बोलूंगी ना, मैं उसको एडिनबरा तो नहीं बोलूंगी ना। ये नहीं समझते क्या याद दिला दिया एडिनबरा, मैं नहीं गया वैसे एडिनबरा नहीं, बह गई। लेकिन हमारे जो नाज़रीन ने अभी चीज़ें देखी है ना, अभी इनकी राय आने दो, और उनकी राय के बाद जो अगली वीडियोज़ होंगी वो हम शेयर करेंगे। एडिनबरा की भी तो है तुम्हारी, वो है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप जितने भी ज़्यादातर ये देखते हैं ना ट्रैवलॉग्स और ये वो, देखें एक होता है ओरिजिनल देखना और एक होता है ये जो तस्वीरें, जैसे हमारी तस्वीरें ज़्यादातर जो हैं कैसर उनको ट्रीट नहीं करते, वो ओरिजिनली जैसी आई होती हैं वैसी ही दिखाते हैं। आप कुछ जगहों की तस्वीरें देखते हैं बहुत ही ट्रीटेड हुई हुई, मतलब ऐसी कलर ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ें हुई हुई होती हैं उस पर, तो जब आप देखते हैं तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप असली में उन जगहों पर जाते हैं ना तो फिर आप कहते हैं अरे ये तो ऐसा था ही नहीं, मैंने तो इसको कुछ और सोचा था। बल्कि फजीला की बात से मुझे एक बात आगे करूंगा आपकी इजाज़त से, वो ये कि आप जो भी दोस्त हैं जो भी हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोगों के पास अगर अपनी वीडियोस हैं और वो आपने कहीं शेयर नहीं की हैं तो आप मुझे भेज दें, मैं आपके नाम के साथ अपने इस चैनल पे लगा दूंगा, ठीक है। और वी ट्रांसफ़र के थ्रू आप भेजेंगे ज़ाहिर है, KAISER कैसर निज़ामानी @yahoo.com, सिंपल के से मेरा नाम है कैसर निज़ामानी @yahoo.com, वो मैं लिख के भी बता दूंगा। ये साइन लैंग्वेज बोल रही है, कोई बात नहीं। तो अब ये है कि अगले प्रोग्राम तक आप इंतज़ार कीजिए, आगे हम बताएंगे आपको कि अगला कौन सा प्रोग्राम आएगा, और अपने हाथों को कंट्रोल में रखें। मैं अरे भाई तो मैं उन आपके साथ इन्वॉल्व हो रही हूँ ना गुफ्तगू में। जी 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 चलें जी, ओके बाय बाय।